आज कृषि उपज मंडी में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य पूर्व में 12 फरवरी को इसी प्रांगण में लगाए गए शिविर में जिन 500 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया था, उनसे 105 मरीजों का लेंस प्रत्यारोपण रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में किया गया था। उन सभी की समीक्षा करके उनको निःशुल्क चश्मे का वितरण किया गया था। जिन मरीजों को मोतियाबिंद नहीं है परंतु अन्य किसी कारण से चश्मे की आवश्यकता है, उनको निःशुल्क चश्मा उपलब्ध करवाना इस कार्य में रतन ज्योति नेत्रालय के डॉक्टर सुरेश पांडे, मोहम्मद खालिद, उनकी पूरी टीम, 450 मरीजों का परीक्षण किया। 2 बजे सभी मरीज बस के द्वारा रतन ज्योति नेत्रालय के द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वर्गीय कैंसर बाई जैन धर्मशाला में रुकेंगे और प्रातः 27 मार्च को उनका लेंस प्रत्यारोपण होगा। तत्पश्चात अगले दिवस 28 तारीख को वापस करेरा छोड़ दिए जाएंगे। स्थानीय समाज सेवियों तथा पत्रकार बंधुओं का इस शिविर को जन आंदोलन का रूप देने में विशेष योगदान रहा। सेवार्थ जन कल्याण समिति एवं रतन ज्योति नेत्रालय उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर इस तरह के आयोजन हमारी संस्कृति की समृद्धि के प्रतीक है। ऐसे 5 स्थानों से एक साथ करीब 500 मरीज वहां पहुंच गए थे। क्षमता वहां 350-400 की थी, 100 मरीज ज्यादा थे। सर्दी का उत्तरार्ध था, चरम पर थी सर्दी। तो कुछ रावत जी ने मुझे शेयर किया था कि दीक्षित जी कुछ थोड़ा सा अब व्यवस्था है, हमने कहा हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस बार ईश्वर से प्रार्थना है ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, हम बचने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि किसी को कोई परेशानी हुई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। दूसरा, जो 105 मरीजों के ऑपरेशन हुए थे जिनका लेंस प्रत्यारोपण हुआ था, उसमें कुछ मरीजों को जो आज चश्मा मुरारी लाल जी राय भर से सभी कार्यकर्ता और सबसे सर्वाधिक सम्मानीय नवरात्रि का पावन अवसर है, मातृशक्ति और पितृशक्ति, युवा शक्ति, इस करेरा क्षेत्र के सभी नागरिक बंधु, आपका स्नेह, आपका सम्मान का भाव देखकर मैं अभिभूत हूँ। वस्तुतः सम्मान तो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने अकथनीय मेहनत करके आयोजित करने में हमारी मदद की। मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। जनप्रतिनिधियों को आना था, किसी कारण से वो आ नहीं पाए, व्यस्त रहे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा हो सकता है कि